एवी एंड नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग वोकैबुलरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मैं आप लोगों को कुछ वर्ड बता रही थी जिन पर्टिकुलर वर्ड्स से बहुत सारे वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और उन सभी जगह पर उनका जो मीनिंग निकल कर आता है वो सिमिलर आता है ना। तो इस टाइप से जो वर्ड हमें पढ़ने होते हैं इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, रूट वर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था, एक और भी तरीका होता है जिससे हम वोकैब पढ़ते हैं। ये बहुत ही फनी मेथड है, आपकी अपनी भी ट्रिक्स हो सकती हैं, लेकिन कुछ मेरी बनाई हुई ट्रिक्स हैं जिनके बारे में देख लेते हैं एक बार। और ये जो तरीका है इसको हम कहते हैं नेमोइक मेथड। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ भी अजम कर करके, कुछ भी अजम्पशंस मान करके हम क्या कर लेते हैं, वर्ड को लर्न कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक वर्ड लिख रही हूँ आप लोगों के सामने और यहाँ पर वर्ड है एब्स्ट्रेक्ट। बहुत बार एग्जाम्स में ये वर्ड जो है वो पूछा भी गया है और किस तरीके से पूछा जाता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इसका सिनोनिम पूछा गया कि आपको एब्स्ट्रेन का सिनोनिम बताना है, ठीक है, और नीचे आपको कई ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे कि एक ऑप्शन मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अबैंडन। अब आपको अगर इन दोनों ही वर्ड का मीनिंग पता नहीं है तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है वो आपसे होने वाला नहीं है, क्योंकि वोकैब में ऐसा तो है नहीं कि आप कोई आइडिया लगा सकते हो या कोई रूल है यहाँ पर, इस तरीके का कुछ नहीं है। अगर ये दोनों वर्ड आपको याद हैं, इनके मीनिंग अगर आपको पता है, तो विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो अब हम इस वर्ड को कैसे लर्न करें ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके से हम याद करें कि हम इस वर्ड को लंबे टाइम तक मेमोराइज कर सके, है ना। तो देखो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है एब्स्टेन, इसमें कुछ वर्ड में मैंने इसको तोड़ा है ए बी। आप सभी जानते हो ए बी को ए से मैंने यहाँ पर मान लिया क्या, अमिताभ, और बी से बच्चन, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है बी एस, बी एस मतलब बस, वही जो रोडों पे चलती है, और ट्रेन, मैं ये नहीं कहूंगी ये ट्रेन लिखा हुआ है, लेकिन जब ये बस लिखा हुआ है तो ट्रेन का साउंड हमें किसके जैसा लगेगा, ट्रेन के जैसा। तो ये वर्ड क्या हो गया हमारे पास में, ट्रेन। यानी कि यहाँ पर कुछ तीन वर्ड बने हमारे पास, अमिताभ बच्चन, बस, ट्रेन। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मैं जब अभी आ रही थी तो मैंने अमिताभ बच्चन को बस में ट्रैवल करते हुए देखा, तो बहुत ही फनी बात हो गई। और आप में से कोई मेरी बात का विश्वास करने वाला भी नहीं है कि ये बात सही हो सकती है, क्यों, क्योंकि भाई अमिताभ बच्चन एक बड़ी सेलिब्रिटी है, उनके पास में उनकी बहुत सारी गाड़ियां हैं, उनको बस और ट्रेनों में धक्के खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो लेकिन कभी तो ऐसा टाइम है, बहुत सारे उनके भी इंटरव्यूज़ हैं जिसमें उन्होंने कही है ये बात कि पहले मैं बस और ट्रेन में बहुत ट्रैवल किया करता था। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि अमिताभ बच्चन ने बस और ट्रेन में ट्रैवल करना क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, ठीक है। यानी कि एब्स्ट्रेन का अगर मैं मीनिंग की बात करती हूँ तो इसका मीनिंग होता है छोड़ना। किसी चीज़ को जब आप लीव कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये वर्ड जो है वो लंबे टाइम तक याद रह सकता है, जब भी आप इसको देखेंगे तो ए बी बी एस टी ए आई एन, अब आपको तुरंत दो तीन बार देखने के बाद इस बात को आप तुरंत याद रख सकते हैं कि किस तरीके से इसका मीनिंग छोड़ना हो जाता है, ठीक है। सेम ऐसे ही जब मैंने आपको अभी अभी ए बी का मीनिंग अमिताभ बच्चन बताया, तो यहाँ पर भी ए बी का मीनिंग कौन है, अमिताभ बच्चन, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है बी ए एन, बैन। आप बहुत अच्छे से जानते हैं बैन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को बंद कर देना एक तरीके से, है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है डॉन। अमिताभ बच्चन ने एक मूवी बनाई थी डॉन, लेकिन अमिताभ बच्चन के बाद एक नई डॉन आई थी, वो आई थी शाहरुख खान की। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि अब अमिताभ बच्चन ने डॉन बनना भी क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, यानी कि छोड़ दिया है। तो ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर थे, लेकिन जब तक हमें इनका मीनिंग नहीं पता था तब तक हम क्या नहीं कर सकते थे, इस वर्ड को टिक नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें तो इसका मीनिंग ही पता नहीं है कि अबैंडन का मीनिंग क्या होता है। और एक और बात ध्यान रखना, इनको छोड़ना या त्यागना इनके सेंस में यूज़ किया जाता है। एब्स्टेन को हम पर्टिकुलर अगर छोड़ने के सेंस में बात कर रहे हैं, अभी दोनों वर्ड्स के मीनिंग सेम है, और मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर दोनों ही वर्ड का मीनिंग सेम है तो क्या उनको सेम जगह पर यूज़ किया जा सकता है। तो
वो सेम जगह पर यूज नहीं होंगे. एब्सटेन में जब आप छोड़ने की बात करते हो तो स्पेशली अपन कह सकते हैं स्मोकिंग. जैसे किसी ने स्मोकिंग करना छोड़ दिया है तो उस जगह पर अपन क्या वर्ड यूज करेंगे, ही एब्सटेन स्मोकिंग. ठीक है, तो इस तरीके से अपन इन वर्ड्स को याद रख सकते हैं. और ये जो दूसरा वाला तरीका है ये है अपना नेमोइक मेथड. जैसे जैसे क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी वैसे वैसे हम रेगुलर ग्रामर पढ़ेंगे और 5 मिनट जो टाइम होगा उसमें हम डेली वोकैब पढ़ेंगे. यानी कि 2-3 वर्ड्स जो हैं वो मैं आपको डेली वोकैबुलरी के बताती रहूँगी. लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था, लेकिन उसमें मैं आपको एक टॉपिक बताना भूल गई थी, एडियम्स. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. एडियम का मीनिंग होता है मुहावरे. ठीक है, जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं वैसे ही आपको इंग्लिश में भी पढ़ने होते हैं. अब यहाँ पर सवाल वही आ जाता है कि इनको याद कैसे रखा जाए. ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक आज आपको एडियम भी बताती हूँ कि हम इनको कैसे लर्न करेंगे एडियम्स को. तो जो ये एडियम है एकिल्स हील, इसको शायद आप में से कुछ लोग जानते भी हों और नहीं भी जानते हो. एकिल्स हील की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात यह है कि इंडिया में जो इंग्लिश यूज़ हो रही है वो 2 जगह की हो रही है. या आप लोगों से ही मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप लोगों बचपन में जब छोटे थे, मैं खुद भी, तो मैं ग्रामर बोला करती थी. जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ा हमने उसको ग्रामर बोलना स्टार्ट कर दिया. और लिखने में स्पेलिंग में भी डिफरेंस है, ग्रामर भी लिखते हैं और ग्रामर भी लिखते हैं. तो ये जो वर्ड, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि इंडिया में 2 जगह से इंग्लिश बोली जा रही है, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश. ठीक है, तो पर्टिकुलर जो एडियम्स हैं वो भी वहीं के ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. अगर इस एडियम की बात करते हैं एकिल्स हील, तो इसका क्या मीनिंग है, किस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है जो आप लोगों को सुननी पड़ेगी. एकिल्स जो है ये एक लड़के का नेम है जो ब्रिटिश का रहने वाला था. और उस टाइम पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर एक राजा का शासनकाल चल रहा था और वो राजा जो था वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था. तो जितने भी लड़के जन्म लेते थे वो उनको मार देता था क्योंकि उसको डर लग. आप इसको महाभारत से भी लिंक कर सकते हैं. तो जितने भी लड़के जन्म लेते थे वो उन लड़कों को मार देता था क्योंकि उसको इस बात का डर था कि कहीं कोई मुझसे ज़्यादा अगर आगे जा कर के पावरफुल हो गया तो वो मुझे मार सकता है. तो इस डर की वजह से वो सभी को मार देता है. लेकिन आप जानते हो कि मदर्स नेचर बहुत ही प्रिवेंटिव टाइप का होता है कि किसी भी तरीके से मुझे मेरे बच्चे को बचाना है. ये सोच करके वो एक साधु के पास जाती हैं, एकिल्स की मम्मी, और साधु के पास जाती हैं. तो साधु उनको कहता है कि आपको यहाँ से मीलों दूर चल करके जाना पड़ेगा, वहाँ एक नदी मिलेगी, अगर आप उसको इस नदी के पानी में नहला दोगे तो उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा और इसे कोई मार नहीं पाएगा. ये बात एकिल्स की मम्मी को पसंद आ जाती है और वो उस नदी के पानी में एकिल्स को नहलाने के लिए ले जाती हैं. वो वहाँ पहुँचती हैं तो वो क्या करती हैं, एकिल्स की हील को पकड़ती हैं. हील का मतलब एड़ी, पैर से उसको पकड़ती हैं और उसको नदी में डुबो देती हैं. यानी कि एकिल्स का पूरा शरीर तो नदी के पानी के अंदर, लेकिन वो जो एड़ी मम्मी ने पकड़ी हुई थी वो कहाँ रह गई, पानी से बाहर रह गई. जब वो पानी से बाहर रही तो आगे जाकर के एकिल्स ने बहुत सारे युद्ध भी लड़े और वो जीता भी. लेकिन जब एक युद्ध में एक तीर आकर के उसकी एड़ी पर लगता है तो उसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है. तो यहाँ पर क्या हुआ, एकिल्स की जो हील थी यानी कि उसकी एड़ी थी वो उसकी क्या बन गई, कमजोरी बन गई. ठीक है, तो एकिल्स हील का मीनिंग भी जो निकल करके आता है वो क्या आता है, वीकनेस, यानी कि कमजोरी. ठीक है, अब कमजोरी का जो मतलब है वो आप सभी जानते हैं कि मैं किस तरीके से यूज कर सकती हूँ. मैं कहती हूँ यार मैं एसएससी तो 2 सेकंड में क्लियर कर लूँ, लेकिन मुझसे तो मैथ्स ही नहीं होती. यानी कि मैथ्स मेरी क्या है, वीकनेस, कमजोरी है. तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि मैथ्स इज एकिल्स हील फॉर मी. ठीक है, इस तरीके से हम इसको सेंटेंस में भी अरेंज कर सकते हैं. रेगुलरली अगर इसका
अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम स्पोकन में भी इसको काम में ले सकते हैं, ठीक है, तो एकिल्स हील जो है इसका मीनिंग क्या हो जाता है, कमजोरी। ये है आपके ईडियम्स, और हर ईडियम के पीछे कोई ना कोई कहानी है जहाँ से उसका जनरेशन हुआ है। तो अगर वो कहानी हमें समझ में आ जाती है तो फिर हमारे लिए इसको याद करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। एक और मैं आपको बताती हूँ ईडियम, फ्रेंच लीव। तो लीव का मीनिंग तो आप में से कई लोगों को पता होगा, लीव के मीनिंग जो होता है वो होता है छुट्टी, और यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंच की, यानी कि फ्रांस, है ना। तो एक बार फ्रांस में क्या हुआ था कि कोई जूते बनाने की बहुत बड़ी कंपनी थी, और उस कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम किया करते थे, और जब कंपनी बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों पे चलने लगी तो वर्कर्स ने डिमांड की कि हमारा भी पेमेंट बढ़ाया जाए। तो जो लैंडलॉर्ड था, जो ऑनर था सॉरी, उसने कहा कि आप इस मंथ तो आप सभी लोग काम कीजिए, नेक्स्ट मंथ आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। नेक्स्ट मंथ भी हुआ, उनकी सैलरी फिर भी बढ़ करके नहीं आई, नेक्स्ट मंथ फिर भी बढ़ करके नहीं आई। तो वर्कर्स ने अपना गुस्सा दिखाने के लिए क्या किया, अचानक से सारे वर्कर्स एक दिन गायब हो गए, अचानक से बिना बताए, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। तो जब किसी बिना जानकारी के छुट्टी ली जाती है, यानी कि आपने बिना बताए, जैसे आप दो फ्रेंड्स हैं आपस में और कोई एक फ्रेंड बिना बताए छुट्टी ले लेता है, कई बार ले लेता है, तो आप कह सकते हो उसकी आदत पड़ी हुई है फ्रेंच लीव लेने की। या फिर कोई टीचर ऐसा है जो विदाउट इन्फॉर्मेशन एब्सेंट होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो फ्रेंच लीव ली है उन्होंने आज, यानी कि विदाउट इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्या ली है, छुट्टी ली है, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी निकल कर आता है, विदाउट इन्फॉर्मेशन टेक अ लीव, ठीक है, बिना जानकारी के छुट्टी लेना, उसको हम कहते हैं फ्रेंच लीव, क्लियर है। तो ये आपके कुछ वोकैब और ईडियम्स का पढ़ने का तरीका है। हो सकता है किसी दिन हम ग्रामर के साथ साथ तो केवल ईडियम्स ले लें, किसी दिन हम ग्रामर के साथ साथ केवल वोकैब ले लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आप SSC कर रहे हैं और टीयर थर्ड का एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको ईडियम्स का आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है, और थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश में सारी चीज़ों को मेंशन करना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके वर्ड्स जो हैं उनमें दम होना चाहिए, वोकैब जो आप यूज़ कर रहे हैं या ईडियम्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो इस तरीके के होने चाहिए जो बहुत ही देखने में या जब कोई सामने वाला पढ़ रहा है तो उसको इम्प्रेसिव लगना चाहिए। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, और वो टॉपिक होगा आपका पहला टेंस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज तक टेंस ही नहीं आते, और जब आपको टेंस ही नहीं आते हैं तो फिर इंग्लिश आने का तो सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता है कि वर्ब्स क्या होती हैं तो आप सेंटेंस कैसे अरेंज करेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, मेन वर्ब पता होनी चाहिए, डिफरेंसेस पता होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊँगी जब हम टेंस स्टार्ट करेंगे। आज कुछ और वोकैब ले लेते हैं हम। एक वर्ड लिखा है मैंने आप लोगों के सामने, नेब्यूलस, बहुत ही अच्छा वर्ड है, और आज की जो गवर्नमेंट है उसके सेंस में हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि देश में चल क्या रहा है, तो उस कंडीशन में हम इस वर्ड को बहुत अच्छे से यूज़ ले सकते हैं। पर फिर भी वही क्वेश्चन है कि मैं इसका मीनिंग तो आपको अभी एक सेकंड के अंदर बता दूंगी कि इसका मीनिंग ये होता है, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट बात वही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इसको याद कैसे रखूँ लॉन्ग टर्म के लिए। जब भी कभी ये वर्ड मेरे सामने आए तो मुझे तुरंत याद आना चाहिए कि इसका मीनिंग ये होता है। तो हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं बहुत ही इजी वे में, देखो कैसे। इसको मैंने दो टर्म्स के अंदर डिवाइड किया है, NE को मैंने नी लिखा है, लिख सकती हूँ ना, BU को मैंने बू लिखा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वो मीनिंग निकल करके ही आएगा, कुछ मानना पड़ता है इसके अंदर, कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है। तो इसको मैंने नींबू मान लिया, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है LOUS, इसको मैंने लस, लेकिन नींबू और लस का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता, नींबू का रस कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, रस। तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपके पास में ऐसे ही किसी ग्लास में पानी है
तो आपको वो आर पार दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही उसमें नींबू निचोड़ा जाता है तो वो कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है ना, यानी कि क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो नींबू के रस से चीज़ें कैसी हो जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं। तो उसका मीनिंग भी क्या निकल करके आता है, धुंधला, अपन कह सकते हैं इम्परमिएबल। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक और वर्ड लिखा सलूब्रियस, और ये बहुत अगर आप लोग एसएससी और बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से द हिंदू या द टाइम्स ऑफ इंडिया ज़रूर पढ़ रहे होंगे, और अगर द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो जो सलूब्रियस वर्ड है ये एक कॉमन वर्ड है उस न्यूज़पेपर के लिए जो बहुत बार यूज़ होता है, तो इसका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक बनाना बहुत ही आसान है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सल्लू, और आप सभी जानते हैं कि सल्लू हम किसको कहते हैं, सलमान खान को, और सलमान खान कैसे हैं, हेल्दी, है ना। तो इस सलूब्रियस वर्ड का मीनिंग भी क्या हो जाता है, हेल्दी। अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो एक हेल्दी तो कॉमन वर्ड हो जाता है, हम अगर उसको थोड़ा इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं अपने सेंटेंस को तो उसकी जगह हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं ही इज़ अ सलूब्रियस पर्सन, है ना। तो सलूब्रियस का मीनिंग क्या हो जाता है, हेल्दी। नेक्स्ट अगर मैं आपसे और बात करती हूँ और कुछ सेंटेंसेस की, तो एक वर्ड लिखा मैंने यहाँ पर सोपोरिफिक, और ये जो वर्ड लिखा है मैंने सोपोरिफिक, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, इसकी एनडीए की और बैंक की, एसएससी की, इनकी सभी की वैकेंसीज हैं। तो ये वोकैब जो है आपके सभी के काम आने वाली है, और वोकैब का कोई लेवल तो है नहीं कि ये पर्टिकुलर एसएससी की है, ये बैंक की है, सभी जगह काम आएगी। सोपोरिफिक की अगर मैं बात करती हूँ कि सोपोरिफिक का मीनिंग क्या है, तो सोपोरिफिक को समझने की कोशिश करो। ये लिखा सौ, सौ का मीनिंग 100, और पौरी 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 यानी कि पूरी, यानी पूड़ियाँ। अगर कोई 100 पूड़ियाँ खा लेगा तो डेफिनेटली क्या आएगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगी, पॉसिबल नहीं है ना इतना खाना। और अगर आप ओवर फीडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो डेफिनेटली नींद आती है। तो और अगर नींद आ रही है तो अपन कह सकते हैं इसको नींददाई। अब ये कई जगह पर यूज़ होता है सोपोरिफिक जो वर्ड है, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इसको, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और आप लोगों को बोरियत हो रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा लेक्चर, तो आप कह सकते हो दैट वॉज एन सोपोरिफिक लेक्चर। समझ में आ रहा है, कोई मूवी देखने गए हो और मूवी देख रहे हो और बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बोरिंग है बहुत ही ज़्यादा, तो कह सकते हो दैट वॉज एन सोपोरिफिक मूवी, है ना। यानी कि कोई भी चीज़ है, किसी से बात कर रहे हो या फिर कुछ भी जो आपको बोरियत दे रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, वर्ड सोपोरिफिक, नींददाई अपन कह सकते हैं, उबाऊ जिसको अपन कह सकते हैं, बोरिंग कह सकते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टेंस है वो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।